नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने आज जमकर हंगामा किया और सभा की कार्रवाई नहीं चलने दी। राज्यसभा अड़चन होने के बाद भी सदस्य वहीं जमे बैठे रहे और नारेबाजी करते दिखाई दिए। सदन में सदस्यों के बैठे रहने, नारेबाजी करने के कारण प्रेस गैलरी में मीडिया वाले भी मौजूद रहते हैं। आमतौर पर जब प्रेस वाले बैठे रहते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी वाले बैठे रहने देते हैं, लेकिन आज अचानक सिक्योरिटी वाले आ धमके और पत्रकारों से बोले कि प्रेस गैलरी खाली कर दीजिए। जब कई पत्रकारों ने कहा कि अब कार्रवाई शुरू होने में थोड़ा समय बचा है, ऐसे में पत्रकारों को यहां से क्यों हटाया जा रहा है, तो एक सिक्योरिटी वाले ने धीरे से कहा, जब तक आप लोग बैठे रहेंगे तब तक सदन में सदस्य हंगामा करते रहेंगे, इसलिए आप लोग गैलरी खाली कर दें। आखिरकार ना चाहने के बाद भी प्रेस वालों को प्रेस गैलरी से निकलना पड़ा। इस घटना की कवरेज ना तो राज्यसभा टीवी ने की और ना ही किसी दूसरे मीडिया ने। कुछ समय बाहर बिताने के बाद जब पत्रकार प्रेस गैलरी वापस पहुंचे और कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य फिर जोर जोर हंगामा करने लगे और नारे लगाने लगे। सदस्य नारे लगा रहे थे, कृषि कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, जय जवान जय किसान, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, किसानों से गद्दारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वगैरह वगैरह। Honorable Deputy Chairman, I've invited the leaders of the opposition parties and the leaders of the parties for a discussion in December. This is the announcement. Now the House stands adjourned to meet at 4 p.m. खास बात यह थी कि ढेरों सदस्य काले कपड़े पहने दिखे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी गम के कार्यक्रम में आए हुए हैं। 2:33 पर जब राज्यसभा की कार्रवाई एडजर्न हुई तो विपक्षी सदस्य ना सिर्फ नारे लगाते दिखे बल्कि कुछ सदस्य उपसभापति के सामने की टेबल पर कब्जा करके बैठ गए। पहले टेबल के ऊपर खड़े होकर नारे लगाए और बाद में टेबल पर धरना देकर बैठ गए। इनमें आप पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल और वामपंथी पार्टियों के सदस्य भी मौजूद थे, जबकि बाकी सदस्य वेल में खड़े होकर नारे लगा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। संजय सिंह और डोला मैडम ने गीत भी गाए। आमतौर पर मुहर्रम में शिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने के लिए काले कपड़े पहनकर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। देश भर में आज रात से मुहर्रम के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। यूपी में आजकल घरों के बाहर काले झंडे लगाने पर पाबंदी है। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार काले कपड़ों से डर रही है, इसीलिए झंडे और दूसरे बैनर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका विरोध मौलाना कल्बे जवाद कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी से विरोध दर्ज कराया है। लेकिन राज्यसभा के उन सदस्यों ने मुहर्रम के कार्यक्रमों की याद दिला दी जिसमें लोग काले कपड़े पहनकर आते हैं। बहरहाल राज्यसभा के सदस्यों का जोश आज ही खत्म हो जाएगा या बचे 3 दिनों में भी दिखेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। विपक्षी एकता और उनके व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो विपक्षी सदस्य इसी तरह की नारेबाजी करते दिखेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब है और
उन्हें ये दिखाना है कि वे किसानों के हमदर्द हैं। I have an announcement. Honorable Deputy Chairman, I've invited the leaders of the opposition parties and the leaders of the parties for a discussion in December. आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।